मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में मैं बचत विनियोग सेकंड ले रही हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको ये फर्स्ट ले लिया है, अभी सेकंड ले रही हूँ बचत विनियोग। बचत से आपसे तात्पर्य था क्या था, बजट था, बजट था, ठीक है। इन दोनों में आपके प्रश्न आ सकता है, बचत और बजट में, ठीक है। विनियोग लाभ अर्जित करने के लिए जो धनराशि लगाते हैं विनियोग कहलाता है, ठीक है। सेकेंड उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, प्रत्येक परिवार अपनी बचत की राशि को एक ऐसे उत्पादक कार्य में लगाना चाहता है जिसमें अधिकतम लाभ हो और आवश्यकता पड़ने पर वह धन उसे तुरंत मिल जाए। वर्तमान युग में धन का निवेश करने से कई साधन उपलब्ध हैं जिसमें निवेश अपनी इच्छा अनुसार बचत को निवेश कर लाभ प्राप्त कर सकता है। विनियोग मुख्य रूप में से तीन प्रारूप में किया जा सकता है। अल्पकालीन विनियोग, जब व्यक्ति अपनी बचत को थोड़े समय के लिए उत्पादन कार्य में लगाकर धन प्राप्त करना चाहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उस धनराशि को वापस प्राप्त कर सके, तो वह अल्पकालीन विनियोग कहलाता है। बैंक, डाकखाना, बचत बैंक आदि उत्तम साधन है। इसमें ब्याज बहुत कम प्राप्त होता है परंतु पैसा सुरक्षित रहता है। अब दीर्घकालीन विनियोग की बात करते हैं, यह लंबे समय के लिए किया जाता है। इसमें ब्याज दर अधिक होती है परंतु लाभ निश्चित अवधि के बाद पूरा होने पर मिलता है। इसके मुख्य साधन जीवन बीमा, बचत, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, जनरल प्रोविडेंट फंड, राज्य बीमा आदि। जीवन भर के लिए विनियोग, इसमें व्यक्ति जीवन भर के लिए अपनी बचत का विनियोग करता है, उसका लाभ परिवार वाले व्यक्ति को मिलता है जिसे आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इसमें धन का विनियोजन करके व्यक्ति भविष्य के प्रति निश्चित रहता है। उदाहरण के लिए जीवन बीमा, बचत एवं विनियोग के साधन आय व सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित साधन प्रमुख है। बैंक बचत एवं विनियोग का सबसे प्रचलित व सुरक्षित साधन है। बैंक यह एक आर्थिक संसाधन है जो रुपए का लेन देन करता है। व्यक्ति अपनी बचत को बैंक में जमा करके ब्याज प्राप्त कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निकाल भी सकता है। व्यक्ति चाहे तो बैंक में मकान, जमीन, गहने, शिक्षा आदि के लोन भी प्राप्त कर सकता है। परिभाषा प्रोफेसर किनले के अनुसार, बैंक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा व ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति को ऋण देती है जिसे धन की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त धन है जमा कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं बैंक के मुख्य कार्य। बैंक के मुख्य कार्य है धन जमा करना और ऋण देना, ठीक है। विनियोग का प्रारूप है विनियोग, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, जीवन भर के लिए ऋण। मैं आशा कर रही हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बैंक निम्नलिखित सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है। बैंक ड्राफ्ट की सुविधा होती है जिसमें धन का भुगतान सुनिश्चित रूप से कर सके। लॉकर की सुविधा होती है, इसमें बहुमूल्य वस्तुएं जैसे गहने, जमीन जायदाद के कागज आदि सुरक्षित रखने जा सकते हैं। यात्री बैंक की सुविधा उपलब्ध रहती है ताकि यात्रा में नकदी जोखिम नहीं उठा सके। क्रेडिट डेबिट कार्ड की सुविधा होती है जिसमें कहीं भी कभी भी 24 घंटे में खरीदे जा सकती है, ऐसा पैसा के निकलवा सकता है। बैंक के खाते का प्रकार, बचत खाता, यह खाता अल्पकालीन बचत को प्रोत्साहन करता है। इसमें व्यक्ति अपनी चाहे जितना पैसा जमा कर सकता है। इसे खाते खुलवाने के व्यक्ति न्यूनतम राशि हर बैंक में अलग अलग होती है जमा कर खाता खुलवा सकता है। खाता खुलवाने के बाद खाता धारक को चेकबुक और पासबुक दी जाती है। पासबुक में लेन देन का ब्यौरा रहता है और चेकबुक में वह आसानी से पैसा निकाल सकता है। बचत खाते में जमा राशि का बैंक ब्याज देता है। ब्याज की दर समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में ब्याज दर 4% है। चालू खाता, यह खाता व्यापारियों के लिए अच्छा रहता है। खाते का मुख्य उद्देश्य धन का लेन देन सुविधा प्रदान करना है। इस प्रकार के खाते का ब्याज नहीं मिलता है। इस खाते में खाताधारक चाहे जितनी बार पैसा जमा कर निकला सकता है। निश्चित अवधि खाता, इस प्रकार के खाते में धन एक बार निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है तथा जमाकर्ता धन की अवधि पूरी होने के बाद ही निकाल सकता है। जिसमें खाते में ब्याज दर अधिक मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि ऋण बैंक भी देता है, बैंक ऋण भी देता है। इस अवधि में अनुसार ब्याज दर भिन्न भिन्न होती है। आवर्ती जमा खाता, यह अवधि RD कहलाती है, ठीक है। इस योजना में मुख्य उद्देश्य लोगों को मितव्ययी बनाने के अल्प बचत को प्रोत्साहन करना है। इस खाते में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए लगातार प्रतिमाह आवश्यक रूप से जमा करनी पड़ती है। निश्चित अवधि के बाद इकट्ठी रकम
ब्याज समिति मिल जाती है जिसमें दीर्घकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इसमें जमा राशि 7.25% मिलता है राशि पर, लेकिन वर्तमान में ब्याज दर बहुत कम हो गई है बच्चों, हर जगह बहुत कम मिल रहा है। गृह बचत खाता, यह खाता घर बैठने के लिए कोई भी खुलवा सकता है। बैंक के कर्मचारी घर आकर पैसा लेकर जाता है, रसीद देकर जाता है। यह खाता लोगों के बचत करता सिखाता है। इसमें पैसे प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक का कुछ निर्घर कितना निकालना होता है। यह खाता गृहिणियों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। बैंक में खाता खोलना अत्यंत आसान है। खाता खोलने के लिए एक फॉर्म भरना देना पड़ता है तथा खाते के प्रकार भी चुनाव करना पड़ता है। साथ ही दो फोटो या निवास प्रमाण पत्र भी देना होता है। खाता खुलवाने की स्वीकृति मिलने के बाद ही बैंक का क्रमांक पासबुक चेकबुक देता है, जिसके खाते लेन देन किया जाता है। खाते में जमा राशि बैंक ब्याज देता है, समय समय पर बदलती रहती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष ब्याज की अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बैंक की बात की है, उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डाकघर बचत बैंक की बात करूँगी। ठीक है।